स्टूडेंट्स असलकम टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट आर लिस्ट ऑफ मैसेज वी कैन गेट ऑन आर इनसेस विच विल बी प्रिंटेड एंड देन सेंड टू आर कस्टमर्स बहुत सारे टाइप के मैसेजेज़ आप अपने पास रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे जैसे जरूरत पड़े उस नोयीत के हिसाब से आप अपना मैसेज अपनी इन वॉयस पर प्रिंट करा के आगे भेज सकते हैं क्योंकि क्विक बुक्स में कोई एडिटर नहीं है कि इन में आप अपने तरफ से कुछ भी लिख दें तो जब आप इन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके पास चॉइस होता है कि आपके पास ड्रॉप डाउन फील्ड्स आ जाए लिस्टें लिस्टों में से आप कोई ना कोई अपने पसंद का मैसेज चूज़ कर लें और अगर ये मैसेज नहीं है तो आप उसको वहाँ उसी वक्त एंटर करें सेव करें और उसे इस्तेमाल कर लें होता ये है कि बहुत सारे टाइप ऑफ मैसेजेस हम अपने कस्टमर को देना चाहते हैं अपनी इन के साथ मिसाल के तौर पर उसे रिमाइंड कराना चाहते हैं कि उसकी पिछली इन्वाइस नहीं आई हो सकता है कि उसे हम बता दें कि ये हमारी फाइनल इन्वाइस है हमारा काम आपके साथ ख़त्म हो गया है और हम आपके साथ मजीद बिजनेस करना चाहेंगे जिस किस्म का भी आप मैसेज इन वॉयस के साथ अपने क्लाइंट या कस्टमर को भेजना चाहें वो क्योंकि ये एक सिस्टम है आपको अपने पास कहीं ना कहीं लिस्ट में रजिस्टर करना होगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप चाहें जब चाहें उस मैसेज को इस्तेमाल कर लें गैर ज़रूरी मैसेज को डिलीट कर लें और सबसे बड़ी सहूलत क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि बुक्स ने आपको दी हुई है वो ये है ऐट द फ्लाई ऑन द फ्लाई आप जो है ये चीज़ ऐड कर सकते हैं जब आप इन वॉयस बना रहे हों और आपको अपना पसंद का मैसेज नज़र ना आए आप ऐड करें और वहीं से आप एक नया मैसेज बना लें और उसको इस्तेमाल कर लें रीज़न इसकी क्या है रीज़न बड़ी सिंपल है हम ये चाहते हैं कि हमारे मैसेज भी हमारी इन के साथ जो हमारे ख्याल हैं हमारे कस्टमर के क्लाइंट को जाए और आमतौर पे ये खुशी के और अच्छाई के मैसेज होते हैं और उसके शुक्रिया अदा करने के मैसेज होते हैं आइए देखते हैं कि हम ये किस तरीके से क्विक बुक्स में आराम से बना सकते हैं जैसे ही आप अपनी इन्वाइस क्रिएट करते हैं तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा जहाँ क्रिएट या कस्टमर मैसेज का आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है ड्रॉप डाउन में आपने खोला तो आपके पास पहले से बने हुए बहुत सारे मैसेजेस नज़र आ जाएंगे ऑल वर्क इज़ कम्प्लीट इट एज़ बीन ए प्लेजर वर्किंग विथ यू प्लीज़ रिमेट टू अबव एड्रेस प्लीज़ साइन एंड डेट दिस प्रपोजल प्रोजेक्ट विल बिगिन विद इन टू वीक्स ऑफ एक्सेप्टेंस कितने टाइप के आपके मैसेजेज हैं भले आप वो एस्टिमेट पर रखवा रहे हैं अपने बिल पर रखवा रहे हैं अपनी इन वॉइस पर लगा रहे हैं जहाँ भी आप डालना चाहेंगे उस टाइप का मैसेज आप उसी वक्त क्रिएट करें और डालें याद रहे कि ये जो भी हमने यहाँ मैसेज डालते हैं ये हमारे पास प्रिंट भी होता है और उसको चेक करने का तरीक़ा है कि हमने एक मैसेज चूज़ किया है उसका हम प्रिव्यू ले लें तो अगर आप देखेंगे तो बॉटम ऑफ योर इन वॉयस ये मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा अब हम देखते हैं कि ये मैसेज हम अपने पास किस तरह से रजिस्टर करें इस लिस्ट में सबसे आसान तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई मसला है जो मैसेज आपके पास अवेलेबल ना हो ना मिल रहा हो आप जब भी इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप यहीं से इसको ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू के थ्रू यहाँ आप अपना मैसेज लिखें ओके okay करें और सेव कर दें और यहाँ आप, आप उसकी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं मैसेजेस अगर बहुत ज़्यादा हो गए और आप उन्हें डिलीट ना करना चाह रहे हो तो हम उनको इनएक्टिव भी कर सकते हैं लेकिन इसका जो सही तरीका है आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचते हैं सबसे पहले आपने जाना है लिस्ट में कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल में और ये क्योंकि एक ख़ास टाइप का मैसेज है तो हमने इसको वहाँ से चूज करना है कस्टमर मैसेज लिस्ट कस्टमर मैसेज लिस्ट में आपको तमाम अपने मैसेजेस जो आपने बना लिए हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे इसके अलावा अगर आप कुछ और डालना चाहें तो यहाँ आप डाल सकते हैं इसमें हमने एक नया मैसेज ऐड करना है मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम मैसेज डायरेक्टली अपनी इन वॉइस या जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं आप न्यू भी कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप कंट्रोल एन से भी नया मैसेज डाल सकते हैं इधर जो हम मैसेज लिखना चाह रहे हैं वो बड़ा सिंपल है हम अपने जो भी क्लाइंट या कस्टमर है उसे कहना चाह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया हम पर एतम करने का थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट ऑन अस और ये हमने अब सेव कर दिया है अब ये हमारे पास मौजूद है और ये हो सकता है कि इन में ना हो जैसे ही हमने कोई पीओ दिया हो कोई एस्टिमेट जमा कराया हो वो ओके okay, ओके okay आ गया हो और अब हम उसकी पहली इन्वास उसको दे रहे हैं इसका मतलब है उसने बेस्ड ऑनर एस्टिमेट हमें जॉब दे दी है तो उसने हमें काम दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गया है अब हम उसको शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने ये एक मैसेज बना लिया और अब जैसे ही हम इनस में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट ऑन अस वाला मैसेज मौजूद है जब भी हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं और हमारे पास ये नज़र आती है तो आपको पता है कि इनवॉइस में जितनी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे उस सारी की सारी प्रिंट होगी ये भी चीज़ प्रिंट होगी भले हम इसे पी में रखें और इसको हम एज अ सॉफ्ट फॉर्म में अपने कस्टमर या क्लाइंट को ईमेल कर दें या इसको हम प्रिंट करा के उसे ईमेल कर दें हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो इन्वाइस की हम उसे दो कापियाँ भेज रहे हैं उनमें से एक कॉपी वो हमें साइन करके वापस कर दें तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है आप उसे कह सकते हैं प्लीज़ साइन दिस एंड डेट दिस प्रपोजल और प्रोजेक्ट विल बिगिन विद इन टू वीक्स ऑफ एक्सेप्टेंस इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें साइन के बारे में भी उसको दे सकते हैं लेकिन फिलहाल हमने ये अपना एक चूज़ कर लिया है और इसको देखने का तरीका क्या है जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंट में जाएं प्रीव्यू को चेक करें और प्रीव्यू के एंड में आपको अपना मैसेज जो आपने इसके लिए चूज़ किया है वो नज़र आ रहा होगा आप इससे बड़ा भी मैसेज लिख सकते हैं लेकिन याद रहे कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन है आपने विद इन दैट लिमिट ये सारी चीज़ें करनी है जो भी आप मैसेज डालेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन योर इनवॉइस ऑन योर डॉक्यूमेंट विच यू हैव चूज इन दैट मैसेज फॉर जो भी आप डॉक्यूमेंट जहाँ भी चूज़ करेंगे उसके ऊपर ये मैसेज आएगा और आपके कस्टमर को जाएगा ये छोटी छोटी, छोटी चीज़ें हैं जो जिससे जाहिर होता है कि आप अप्रीशिएट करते हैं अपने कस्टमर को और उसको वेल well इन्फॉर्म रखना चाहते हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं आपने अब देखा कि हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे हम अपनी इन अपनी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं और अपने ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनके साथ इंगेज हो सकते हैं उनसे कन्वर्स कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ज़रूर सही लेकिन बड़ी फ़ायदा होती हैं और इसकी ऑप्शन आपके सिस्टम में होनी चाहिए ताकि आप ये छोटी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को या कस्टमर को ये बताते रहें कि आप एक रोबोट की तरह चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे बल्कि बड़ा पर्सनल उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं अब आपको पता चल गया है कि किस तरीके से आप कस्टमाइज मैसेज बना सकते हैं ऑन द रन भी बना सकते हैं उसे सेव कर सकते हैं और जब चाहे उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं सो यू कैन डू एवरी थिंग यू वॉन्ट टू डू विद डीज मैसेजेस लेकिन अपनी तरफ से आप ना बनाएं वंस अगेन मैसेजेस उसका टेक्स्ट आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट का बंदा देगा और बताएगा कि किस अपने क्लाइंट या कस्टमर के साथ इसको अटैच करना है थैंक यू सो मच